हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें आज पढ़ेंगे मैनेजिंग हेडर्स। व्हाट आर द हेडर्स? हेडर्स आर द टेक्स्ट और इमेजेस इंक्लूडिंग एट द टॉप ऑफ द पेज। दे यूजुअली कंटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज कंपनी और डिपार्टमेंट नेम, लोगो, पेज नंबर्स, नेम ऑफ द ऑथर एटसेट्रा, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्क और एक्चुअल डॉक्यूमेंट एरिया। हेडर्स होता है, जैसे आपकी कोई बुक है उस पर ईच पेज पे उस बुक का नाम होगा, तो वो एक हेडर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर्म जून 2012। नोटिस दैट द हेडर इन द अबव डॉक्यूमेंट द टाइटल एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम जून 2012 विल बी इंक्लूडेड इन ऑल पेजेस ऑन दिस डॉक्यूमेंट। इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न टू इंक्लूड हेडर टू द डॉक्यूमेंट। टू अंडरस्टैंड वर्क विद हेडर्स, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर। Click on the insert tab on the ribbon. Click on the option header in the header and footer group as shown in the view. हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से इसको वर्ड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव हम दिखाएंगे आपको इसको रिकॉर्डिंग में। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में जाके और यहाँ पे एक हेडर फुटर है, हेडर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ शो करेगा। हेडर्स ब्लैंक लिखना है, थ्री कॉलम्स वाला लेना है, अल्फाबेट लेना है, एनिमल लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक लिख सकते हैं और टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब माई बुक, माई बुक अब क्या होगा, ये हेडर बना दिया हमने। अब ये ईच पेज पे आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये देखिए, अब आप उसको नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन, सो वी कैन मेक दी हेडर सच टाइप इन सच ए वे। ओके, सिमिलरली दिस इज द हेडर एंड सिमिलरली वी कैन इंसर्ट द फुटर। ओके, नाउ इंसर्ट फुटर। फुटर भी आपका क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे आपने दिया पेज। ओके, पेज वन, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने आप ऑटोमेटिकली पेज वन सभी पेजेस पे आपका आएगा। ठीक है, पेज वन, पेज वन, तो इस टाइप से आप हेडर एंड फुटर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? पेज नंबर्स, यस, पेज नंबर भी आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, पेज नंबर ऑप्शंस, और ये पेज नंबर फॉर्मेट है ना। यू कैन इंसर्ट द पेज नंबर एट एनी पोजीशन विद इन द हेडर एरिया बाय सिलेक्टिंग द अलाइनमेंट ऑप्शन अंडर द पेज नंबर। ये सब पेज नंबर भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। यहाँ पे जाके इंसर्ट में पेज नंबर होगा, पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, ये आप ले सकते हैं इसको। अब जैसे 19 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसमें पेज नंबर भी दे सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप दैट आपको समझ में आया होगा ये। यहाँ से हम नंबर का फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नंबर का फॉर्मेट कैसे, जैसे यहाँ पे आप गए थे हेडर में, इंसर्ट में, और आपने किया था पेज नंबर। ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके आप फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने रोमन में एबीसी में लिखना है, रोमन में लिखना है, कैपिटल एबीसी में पेज नंबर देना है। ठीक है, इस टाइप से आप कह के कि हिंदी में भी है ना, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। और कंटिन्यूस में अगर स्टार्टिंग पेज आपने सपोज करो 5 पेज आपने बना दिए हैं और आप 6 से स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से 1 से करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कंडीशन भी दे सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, जिसको आप ये हेडर वाला देखना है, पिक्चर इंसर्ट करके देखना है। ठीक है,
नाउ द मैनेजिंग फुटर्स, फुटर्स भी हमने बता दिया, इंसर्ट फुटर, ये आप फुटर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यस, ये हेडर और फुटर आप करके देखना। मैनेजिंग स्टाइल्स, यस स्टाइल्स पढ़ेंगे हम। स्टाइल्स आर सेट ऑफ प्रीडिफाइंड एंड कस्टमाइज ऑप्शंस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग गुड लुकिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट विद लिस्ट ऑफ वर्ड्स। यू कैन फाइंड ए नंबर ऑफ स्टाइल अवेलेबल विद वर्ड प्रोसेसर कैन बी अप्लाइड टू व्यू द स्टाइल्स, लोकेट द स्टाइल ग्रुप अंडर होम पेज। यहाँ देखिए आप बहुत सारे स्टाइल्स हैं ये, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। स्टाइल सेट, इफ यू वुड लाइक टू व्यू द व्यू ऑफ स्टाइल सेट्स अवेलेबल पॉइंट टू द स्टाइल सेट अंडर चेंज स्टाइल। डिफॉल्ट, फैंसी, ये सब आपके स्टाइल हैं, ठीक है, इसको भी करके देखते हैं। ये मैंने लिखा यहाँ पे होम टैब में स्टाइल, चेंज स्टाइल, यहाँ स्टाइल सेट बने हुए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टाइल देखिए, बहुत सारे स्टाइल है हमारे पास, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही आप करिए आज, हेडर फुटर्स स्टाइल्स, ओके, फिर हम डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स कराएंगे आपको। टिल देन थैंक यू।